सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल बालाजी स्टडी अड्डा को और इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट। वेलकम टू बालाजी स्टडी अड्डा। नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि किस प्रकार आप जो सीटेट का पेपर होने वाला है उसमें अपना टाइम जो है वो बचा सकते हैं इन ओएमआर को भरने में। ओएमआर के जो आप गोले भरते हैं कहीं ना कहीं इसमें आपका 2 से 4 मिनट या आपकी स्पीड अगर धीरे है तो आपके 5 से 10 मिनट तक जो है वो चले जाते हैं। तो कैसे कम से कम समय में इन गोलों को जो है वो भरा जाए, तो आज उसकी बात हम करेंगे। उसके बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इनको जो गोला आपको भरना है, ओएमआर फिल करना है, उसके लिए आपको केवल और केवल काला या नीला बॉल पॉइंट पेन का ही यूज़ करना है, यानी कि जेल पेन आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। एक चीज़ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो थोड़ी सी निब एक पेन आता है 10 रुपये का, उसकी निब जो होती है वो मोटी होती है, उससे यदि आप ओएमआर फिल करेंगे तो आप बहुत सा टाइम जो है बचा सकते हैं। कैसे, देखिए जैसे कि आप किसी पतले पेन से फिल करते हैं तो आपको इस गोले को भरने के लिए अपने पेन को लगभग 3 से 4 बार जो है वो घुमाना होता है, परंतु यदि उस जिस पेन की मैं बात कर रहा हूँ उसको आप 1 से 2 बार ही घुमाएंगे तो गोला जो है वो अंदर वाला जो है वो भर जाएगा। तो ये जो है आपका पहला तरीका हो सकता है। आपको लगता होगा क्या इससे भी टाइम बच सकता है, तो जी बिल्कुल बच सकता है, क्योंकि ये तरीके आपके कॉम्पिटेटिव लेवल के एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर बहुत काम आता है, क्योंकि इन 150 जो प्रश्न हैं उनको आप जब फिल करेंगे तो एक तरफ यदि आपको लग रहा होगा 10 मिनट, तो इस प्रकार जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ उससे लगभग आप 8 मिनट में इन गोलों को भर सकते हैं, तो 2 मिनट भी आपके लिए काफ़ी होता है। तो ये तो हो गया तरीका पेन वाला, यानी कि आप एक मोटी निब वाली पेन जो कि बॉल पेन ही होना चाहिए, आप डायरेक्ट शॉप पर जाएंगे, आप बोल देंगे कि ओएमआर फिल वाला पेन दे दीजिए, वो जो है आपको दे देगा। वो 10 रुपये का पेन आता है, वो आप जाके कहीं से भी ले सकते हैं। अब बात करें दूसरे पॉइंट की, दूसरा पॉइंट आपका ये है कि ये जो आप ओएमआर फिल देख रहे हैं करना, इसको फिल करने के लोग अलग अलग तरीके अपनाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि एक साथ 150 प्रश्न कर लेते हैं, अपना जो पेपर होता है उसमें टिक लगा लेते हैं और एक साथ इन ओएमआर को जो है वो फिल करते हैं। दूसरे तरीके के लोग क्या करते हैं कि एक पोर्शन कर लेते हैं, यानी कि उन्होंने जैसे कि CDP के 30 प्रश्न कर लिए, उसके बाद जो है वो 30 प्रश्न को यहाँ ओएमआर में फिल कर लेते हैं, फिर जो है वो अगला सेक्शन करते हैं। तो दोनों ही तरीके अपनी अपनी जगह सही है, परंतु 150 प्रश्न एक साथ ओएमआर फिल करने में आपके गलती होने की संभावना बहुत अधिक रहती है। कहने का मतलब यह है कि जब लास्ट में आप ओएमआर फिल करते हैं और आपके पास समय जो है वो कम होता है, तो जल्दी जल्दी में यदि आप बीच का एक नंबर भी जो है वो मिस कर गए तो आगे के सीरियल से आपके सारे ओएमआर गलत होने के चांसेस रहेंगे। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कोशिश कीजिए कि एक जो सेक्शन है यदि आपका कम्प्लीट हो गया तो उसके जो ओएमआर है वो उसको फिल कर लीजिए, फिर उसके बाद दूसरा सेक्शन करिए, उसके बाद जो है वो उसके जो ओएमआर है वो फिल कीजिए। इससे क्या होगा, लास्ट में आपके पर बोझ भी नहीं रहेगा और आपका थोड़ा बहुत समय भी जो है वो यहां से बच सकेगा। अब इन गोलों को भरने में भी आप समय बचा सकते हैं, वो कैसे, जैसे कि आपने यहां पर देखा कि ये जो आपका पेपर है उसमें पहले का ए है और दूसरे का बी ऑप्शन है, तीसरे का सी है और चौथे का जो है वो डी है। अब इसे आपको ओएमआर में फिल करना है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, देखते हैं पहले का ए है वो ए में गोला भरते हैं, फिर देखते हैं पेपर में अपने कि दूसरे का बी है फिर वो बी में गोला भरते हैं, फिर देखते हैं तीसरे में सी है तो फिर वो, मतलब बार बार जो है वो, मेरा कहने का मतलब है कि बार बार वो पेपर में देखते हैं। परंतु आपको ऐसा नहीं करना है, आपकी मेमोरी के हिसाब से, आपकी जो स्मृति है कितना आप अच्छा ध्यान रख सकते हैं उसके हिसाब से आपको एक साथ 2, 3 या 4 ऑप्शन एक साथ उठाने हैं। कहने का मतलब यह है कि जैसे कि आपने पेपर में देखा पहले का ए दूसरे का सी, ए सी आपने अपने मन में याद किया, फिर ए सी एक साथ आपने भरा, फिर दोबारा पेपर में देखा तो बी डी, यानी कि फिर आपने बी और डी भरा। तो इस टाइप से आपको 2-2 करके भरना है, और यदि आपकी मेमोरी अच्छी है तो आप एक साथ 3 को भी याद रख सकते हैं,
एक साथ चार को भी याद रख सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि मैक्सिमम चार तक ही भरें ताकि गलती होने की संभावना ना हो। कहने का मतलब है कि एक साथ आपने ए सी बी डी देख लिया, ए सी बी डी इस टाइप से करके आप चार एक साथ जो है वो चार चार करके भर सकते हैं। इससे भी आपका काफ़ी समय जो है वो बचता है। परंतु आपको लगता है आप एक साथ चार नहीं याद रख सकते हैं तो दो भी याद रखिए तो वो भी आपके लिए काफ़ी होगा। परंतु सिंगल सिंगल भरने से अच्छा है कि आप डबल ट्रिपल या चार बार में एक बार में जो है उसको देख देख कर भरिए। तो ये जो है आपका तरीका बहुत आपको हेल्प करता है। अब मैं आपको एक और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये बताऊँ कि जैसे कि आप सी डी पी के 30 प्रश्न कर रहे हैं और बीच में आपने 7 नंबर का जो प्रश्न है वो आपको उस समय जब आप कर रहे हैं आपने छोड़ दिया और आपने सोचा कि उसे बाद में कर लेंगे, तो ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। कोई भी प्रश्न यदि आपको नहीं आ रहा तो उसको आप तुरंत अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग सीटेट में नहीं है। तो आप गोला यदि आप उसको नहीं भरेंगे और आप उसको ब्लैंक छोड़ देंगे तो कभी कभार ये होता है कि प्रश्न पत्र में प्रश्न 7 यदि आपने नहीं किया है, 6 किया है और आपने 8 किया है, और जब आप OMR जो है वो फिल कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर OMR दे रखा है, तो आपने 6 का फिल किया और उसके बाद 7 आपने ना देख कर डायरेक्ट 8 देख लिया, तो आपने 8 का जो उत्तर है वो इसी 7 में जो है वो भर दिया और यहाँ से आपका सीरियल जो है वो पूरा गलत हो गया और लास्ट तक आपके सारे प्रश्न जो है इस प्रकार गलत हो सकते हैं। ये भी ध्यान अवश्य रखिएगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा माइनस मार्किंग नहीं होती है तो कोई भी प्रश्न अंत के लिए मत छोड़िएगा कि इसको बाद में कर लेंगे, क्योंकि समय भी बाद में देखने का नहीं मिलता है, तो उसको तुरंत का तुरंत जो है वो टिक लगाते चलिएगा। और इसके साथ साथ लैंग्वेज 1 में आपने क्या लिया है और लैंग्वेज 2 में क्या लिया है इसका ध्यान अवश्य रखिएगा। सबसे ज़्यादा गलती यहीं पर लोग करते हैं। लैंग्वेज 1 और 2 में जो भी आपने लिया हो वही पेपर अटेम्प्ट कीजिएगा। पेपर में स्पष्ट रूप से लिखा रहता है कि यदि आपने लैंग्वेज 1 के तौर पर हिंदी ली है या इंग्लिश ली है तभी आप इन प्रश्नों को अटेम्प्ट करें। आपको 91 से लेकर 120 तक जो प्रश्न देखने को मिलते हैं वहीं पर ये सारी चीज़ें आपकी होती हैं। जो लैंग्वेज 1 होती है उसके लिए जो है ये 91 से 120 तक के लिए प्रश्न होते हैं और लैंग्वेज 2 के लिए जो है आपका 121 से आगे के 30 प्रश्न जो है वो होते हैं। तो लैंग्वेज 1 2 इनमें कंफ्यूज कभी ना होइएगा कि पहले से आप रटने में जुटे हैं कि लैंग्वेज 1 लिया है तो ये लेंगे 2। केवल आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन सी लैंग्वेज ली है और पेपर में स्पष्ट रूप से लिखा रहता है कि यदि आपने भाषा 1 चुनी है या भाषा 1 के रूप में हिंदी चुना है तभी आप इन प्रश्नों को करिए, और यदि आपने नहीं चुना है तो बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि 91 से 120 तक जो प्रश्न होते हैं वो दो बार जो है आपके आते हैं। एक वो लैंग्वेज 1 के लिए होते हैं, एक लैंग्वेज 2 के लिए होते हैं। आई होप सारी चीज़ें जो भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव हो सकती थी सभी का मैंने कलेक्शन करके आपको जो है वो प्रोवाइड करा दिया, ताकि पेपर में किसी भी प्रकार की गलती जो है आप ना करें। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको इंफॉर्मेटिव और इम्पॉर्टेंट लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हम आपको ऐसे ही आगे अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड कराते रहें। इसके अलावा कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के अवश्य पूछिएगा। इसके साथ साथ नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक फॉर सीटेट एग्ज़ाम। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।